बच्चों, आज मैं कक्षा सेवंथ में विषय गुजराती पाठ सात है काव्य अल्लक दल्लक। वो काव्य का कवि का नाम क्या है? बालमुकुंद दवे। अल्लक दल्लक, अल्लक दल्लक मतलब यहाँ ये प्रहास मिठाया है शब्द का। अल्लक दल्लक काव्य है बालमुकुंद दवे का। आ उर्मी गीतोमां रासलीला नो प्रसंग वाणी लेवायो छे। ये उर्मी गीत में, उर्मी गीत मतलब ऊर्जा, उर्मी मतलब हमारे शरीर में जो ऊर्जा दे सकते हैं ऐसा। तो ये उर्मी गीत में रासलीला का प्रसंग लिया है। बाड़कों ने गाव गमे एवं आ काव्य छे। बच्चे को गाना गाए गा सके ऐसा ये काव्य है। एमा प्रास ढाळ तेमा शब्द नोंधपात्र छे। इसमें प्रास है, गाने का ढाळ है और उसका शब्द ही नोंधपात्र प्रास है। अल्लक दल्लक झांझर झल्लक रढ़ियाड़ो जमनानो मल्ल एथी सुंदर राधा गोरी मुखड़ो झड़के छल्लक छल्लक। अल्लक दल्लक उसका राग है। अल्लक दल्लक झांझर झल्लक रढ़ियाड़ो जमनानो मल्ल एथी सुंदर राधा गोरी मुखड़ो झड़के छल्लक छल्लक। अभे पूनम चांद उग्यो छे रास चग्यो छे चमक चमक गोपी भेड़ो कान घुसे ढोलक वागे ढमक ढमक राधी कानो हार तूटे मोती चढ़के चल्लक चल्लक बधा जड़िया पण एक फूटे रुए राधिका छल्लक छल्लक। लीधो होय तो वालने काना मोती मारू चल्लक चल्लक तारा चरित्र छे क्या जान जाने आखो मल्लक मल्लक काने त्याथी दोट मुकी छे रीस चढ़ी गोपी जनवल्ल कदंब छाया कोब झुकी छे बेस बंसी छेड़े अल्लप जल्ल राधा दोड़े चीत अधीरे रास रच्यो छे अल्लक दल्ल। सूरवणाई धीरे धीरे ऊर्तनाई पल्लक पल्लक अल्लक दल्लक झांझर झल्ल रड़ियाड़ो जमनानो मल एथी सुंदर राधा गौरी मुकड़ो झड़के झल्लक झल्लक। ये कविता का राग है। तो हम अभी ये काव्य देखते हैं उसका मीनिंग। तो अल्लक दल्लक झांझर झल्लक रढ़ियाड़ो जम नानो मल्लक। अल्लक दल्लक मतलब अल्लक दल्लक करके वो झांझर, वो रास में राधा और कृष्ण ने जो रास रचा है, रास खेलते हैं, तो उसमें उसका झांझर, झांझर मतलब पायल का भी सुर ये बंसरी में आता है। रढ़ियाड़ो जम नानो मल्लक, तो ये रढ़ियाड़ो जम नानो मल्लक, मल्लक मतलब प्रदेश, रढ़ियाड़ो सुंदर जमुना का प्रदेश है। एथी सुंदर राधा गोरी, इससे भी अच्छी राधा गोरी है। मुखड़ू झड़के झलक झलक, उसका मुख भी तेजदार है, झलक 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 होता है। आभे पूनम चांद उग्यो छे, आभ मतलब आकाश में पूनम का चांद उगा है। रास चग्यो छे छमक छमक, और रास खेल रहे राधा कृष्ण वो छमक छमक रूप से खेल रहे हैं। गोपी भेड़ो कान घुस्यो छे, गोपी के साथ कान भी, कान मतलब कृष्ण भगवान भी वो रास खेलने के लिए अंदर घुसता है। ढोलक वागे ढमक ढमक, और ढोल भी ढम ढम करते बज रहा है। राधिका नो हार टूटे छे, राधिका का हार भी टूटता है। मोती चढ़के चल्लक चल्लक, मोती की चमक जो है वो चलक चलक एकदम उसका जो प्रकाश है वो फैल रहा है। बधा जड़िया पण एक कूटे छे, सब मिल गए हैं लेकिन एक एक मिल नहीं रहा है, वो एक गिनती में आता नहीं है। रुए राधिका छलक छल, उसकी आँख में से श्रावण भद्रवा निकल रहा है, आँख में से आंसू निकल रहा है, छल आँख भरा भरा के पानी निकल रहा है। राधिका वो पानी से रो रही है। लीधु होय तो आलने काना मोती मारू चल्लक चल्लक, लिया हो तो मुझे दे दे काना
मेरा मोती चलक चलक हो रहा है। तारा चरित्र छे के छे क्या छाना, तेरा चरित्र कहाँ ऐसे ही है। जाने आँखों मलक मल तेरा चरित्र कहाँ छुपा हुआ है पूरा मलक, तेरा चरित्र कैसा है वो जानता है। काने त्या थी दोट मुकी छे रीस चढ़ी गोपी जन वल्लभ, काना ने वहाँ से दौट मतलब भाग गया है दौड़ के, और गोपीजन वल्लभ मतलब गोपियों का वल्लभ कौन है, कृष्ण भगवान को बहुत गुस्सा हुआ है, गुस्सा से रिसा गया है। कदम छाया खूब झुकी छे, कदम नाम का पेड़ की जो डाली है वो झुक गई है वहाँ बैठकर। बंसी छेड़े अल्लभ झल्लभ, वहाँ बैठकर कृष्ण भगवान बंसरी बजाता है। राधा दौड़े चीत अधीरे रास रचो छी अल्लक दल्लक, राधा अधीर चीत से दौड़ती है अधीरी हुई, और रास बहुत पूर जोश से खेल रहे सब। सुर वणाइए धीरे धीरे और तनाइए पल्लक पल, उसका सुर जो है आवाज़ जो है वो धीरे धीरे अपने हृदय में उतरते जाते हैं। अल्लक दल्लक झांझर झल्लक रडियाड़ो जम नानो मल्लक, इसके लिए कहा गया कि अल्लक दल्लक झांझर भी झल्लक हो रहा है, छम छम बज रही है। ये कौन सा जमाना का है, इसके लिए किसका है, वो जमुना का प्रदेश, वो बहुत सुंदर है। एथी सुंदर राधा गोरी, इससे भी सुंदर राधा गोरी है, मुकड़ो झड़के झलक झलक, उसका मुख भी झलक झलक करके वो भी चमकदार हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं शब्द समझूती। झांझर पगे पहरवानू एक घरेणू, रडियाड़ो आँख ठारे तेव सुंदर मनोमोहक, जमुना यमुना मुलक प्रदेश, झड़के चमके झलक झलक झड़क झड़क चगजियो छे, खूब झड़प थी गोड़ गोड़ फरी रहा छे, सरस रीते खिलाई रही छे। ढोलक ढोल आलने आपने कानो कनैयो बालकृष्ण चरित्र चरित्र गोपीजन वल्लभ गोपियोना वहला कृष्ण, कदम एक वृक्षनु नाम बंसी वाँसड़ी अलभ झलभ दूर थी आछेरू संभळाई ते रीते। रूढ़ी प्रयोग तनाव दिल खेचाव भाषा सहजता जुड़ा अक्षरवाड़ा शब्दों वाँचो। अलग दल्लक झल्लक छमक मल्लक धमक जेवा शब्दों में एक सरखा बे मूड़ाक्षरो छे, सदंडी मूड़ाक्षर एटले दंडवाड़ा मूड़ाक्षर क ख म ल य स व वगैरह अँ गीतना प्रश्न कारण व्यय मे समार्थी कहवा। कांकरे कांकरे पाड़ बंधाए टीपे टीपे सरोवर भर अधूरो घणो छलकाय घणो, अपूर्ण के अतकचरू ज्ञान होवा छता ज्ञानी होवानु गुमान दाखवे। गाज्या में एक वर्षे नहीं भस्या कूतरा पड़े नहीं, गाज्या उपर डाम झाझा हाथ रड़िया में। હવે સ્વાધ્યાય જુઓ। રાધા કોના કરતાં સુંદર છે, જવાબમાં આવશે રાધા યમુનાના પ્રદેશ કરતાં સુંદર છે। રાસ ક્યારે રચાયો છે, રાસ પૂનમની રાતે રચાયો છે। રાસમાં કોણ રમે છે, રાસમાં ગોપીઓ કાનો અને રાધા રમે છે। કૃષ્ણ ક્યાં બેસીને બંસરી વગાડે છે, કૃષ્ણ કદમની ઢાળ પર બેસીને બંસરી વગાડે છે। રાધિકા કોની પાસે શું માગે છે, રાધિકા કાના પાસે ખોવાયેલું મોતી માગે છે। આ હવે નીચેની કાવ્ય પંક્તિ તમારે પૂર્ણ કરવાની, રાસ કરવાની, તમારો અનુભવ જોડાક્ષરવાળા શબ્દો છલ્લક છલ્લક અલ્લબ ઝલ્લબ ધમક ધમક છલ્લક છલ્લક મલ્લક મલ્લક ચલ્લક ચલ્લક ઓર પલ્લક પલ્લક, નીચે આપેલા શબ્દોને તમારી બોલીમાં લખો। બધા સર્વ ચાલ્યો ચાલ, કહ્યું કહે મૂક્યું મૂક, આપ્યું આપ, શાળા નિશાળ, નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો। રાસલીલા મૂકડું આપ, રાધા ગોરી રઢિયાળો રાસ, આપ મૂકડું રાધા ગોરી રઢિયાળો રાસ અને રાસલીલા। તો ધન્યવાદ બચ્ચો, મેં એ પાઠ પૂરા કર્યા હૈ।
पढ़ा दिया है और उसको बार बार देखना और जो ये पुनरावर्तन है ये आप लिख लेना नोटबुक में। धन्यवाद।